और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो SBI क्रेडिट कार्ड की मॉरेटोरियम एक्सटेंशन का प्रोसीजर क्या क्या है, और SBI क्रेडिट कार्ड ने, यानी SBI कार्ड जो है पेरेंट कंपनी SBI कार्ड है, तो SBI कार्ड ने क्या अपने क्रेडिट कार्ड पे मॉरेटोरियम एक्सटेंशन दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यही जानेंगे SBI क्रेडिट कार्ड की मॉरेटोरियम एक्सटेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या SBI क्रेडिट कार्ड ने अपने वेबसाइट पे जून से लेके 31 अगस्त तक वाली जो मॉरेटोरियम एक्सटेंशन पार्ट टू है, क्या उसके लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि नहीं किया है। तो आप इस वीडियो में यही जानेंगे और बताएंगे कि जो किस तरह का एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा, और ये भी जानेंगे जो क्या SBI कार्ड का मॉरेटोरियम एक्सटेंशन लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका हमेशा बेनिफिट हो सके। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये गूगल पे आपको प्रूफ के साथ हम बता देते हैं ताकि आपको भी आसानी हो सर्च करने में। गूगल पे आपको सर्च करेंगे, गूगल सर्च पे, ये गूगल सर्च है, गूगल पे आप सर्च करेंगे SBI क्रेडिट कार्ड मॉरेटोरियम एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब जैसे आप ये सर्च कर देंगे तो ये पहला वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये जो स्टॉप EMI, ये बैंक लोन का है, ठीक है, इस पर नहीं करना, ये क्रेडिट कार्ड वाला SBI card.com, इस पर राइट क्लिक करके इधर ओपन करेंगे तो ये देखिए SBI card.com SBI कार्ड आ रहा है। यहाँ पे देखिए SBI कार्ड FAQs आ रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे SBI, ठीक है, COVID-19 रेगुलेटरी पैकेज यहाँ पे ये लिख के आ रहा है, और आपको मेन पॉइंट है वो पकड़ना है इनका। ये देखिए RBI की जो गाइडलाइन थी वो 23 मई का नोटिफिकेशन RBI ने निकाला हुआ था, तो इसी का हवाला देते हुए इन्होंने लिखा है जो जितने भी बैंक्स हैं NBFC जो हैं सबको मॉरेटोरियम पीरियड फर्स्ट फेज में मिला था मार्च से मई तक, और उसके बाद जो है RBI ने 23 तारीख की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग RBI ने मॉरेटोरियम एक्सटेंशन सभी बैंक और NBFC के लिए मॉरेटोरियम एक्सटेंशन 1 जून से लेके 31 अगस्त तक अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। अगले 3 महीने का मतलब टोटल 6 महीने, पहले 3 महीने तो मिल गया, अगले 3 महीने मिल रहा है आपको 1 जून से लेके 31 अगस्त तक, तो टोटल 6 महीने का मॉरेटोरियम एक्सटेंशन आपको SBI क्रेडिट कार्ड भी दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे यही सब कहानी दिया हुआ है, बाकी चीज़ आप ये समझ लो SBI क्रेडिट कार्ड भी आपको मॉरेटोरियम एक्सटेंशन दे रही है ऑफिशियली। ये वेबसाइट पे आप प्रूफ देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है SBI कार्ड भी अनदर 3 मंथ्स के लिए 31 अगस्त तक मॉरेटोरियम एक्सटेंशन दे रही है, ठीक है। तो आप यदि लेना चाहते हो तो आपको मोबाइल ऐप से, या जब आप नेट यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल ऐप से भी लॉगिन कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन इसकी वेबसाइट से भी आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको होम पेज पे दिख जाएगा जो वहाँ पे COVID-19 रेगुलेटरी पैकेज, या आप मॉरेटोरियम लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोटा मोटी हम आपको कुछ एक दो चीज़ और बता देते हैं जो क्या कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसमें। ये देखिए हाउ डू आई ऑप्ट इन फॉर द मॉरेटोरियम, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एलिजिबल कस्टमर विशिंग टू अवेल द मॉरेटोरियम कैन ऑप्ट फॉर द सेम, जो भी कस्टमर एलिजिबल होगा उसको मिल जाएगा। और जब आप अपने मोबाइल ऐप से या वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद, क्रेडिट कार्ड अकाउंट में लॉगिन करने के बाद प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्लीज़ क्लिक हियर टू कंप्लीट द ऑप्ट इन प्रोसेस फॉर सिंपल स्टेप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ जो क्लिक हियर ना हाउ डू आई ऑप्ट इन, ये 4 नंबर पॉइंट पे क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है आपको अप्लाई करने के लिए SBI कार्ड का। ओपन हो रहा है ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड से। जैसे लॉगिन करोगे ना तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा, और आप देख लेना COVID-19 रेगुलेटरी पैकेज अप्लाई फॉर मॉरेटोरियम, इस टाइप से लिखा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर प्रोसेस करते जाना, वो आपको यदि एलिजिबल होंगे तो मॉरेटोरियम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉरेटोरियम एक्सटेंशन आप चूज कर सकते हैं, और ये वाला पेज जो है ना ज़रूर पढ़ लेना आप, ये जो हमने आपको बताया ना आपको, ये वाली पेज यहाँ से गूगल से भी आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। दूसरा
ये चौथा नंबर पॉइंट यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस बेसिकली आपने इस वीडियो में सीख लिया ना, और ऑफिशियली भी SBI क्रेडिट कार्ड के जो SBI कार्ड ने मॉरिटोरियम एक्सटेंशन अनाउंसमेंट अपनी वेबसाइट पे कर दिया है। यदि आपको पैसे की प्रॉब्लम है और आप नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप SBI क्रेडिट कार्ड का मॉरिटोरियम एक्सटेंशन ले सकते हैं जून से लेकर 31 अगस्त तक वाला, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड है इस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप क्रेडिट कार्ड पर मॉरिटोरियम एक्सटेंशन नहीं लें तो वही बेहतर होगा और आपकी सिविल भी अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को ये वीडियो को घुमा दीजिए व्हाट्सएप पे सभी जगह। ओके, थैंक यू दोस्तों।